क्या क्लासिक है यार। नेपाल में आया, पोखरा में आके और पैराग्लाइडिंग नहीं किए तो क्या किए यार। एक्साइटेड, नर्वस? ओके। अरे भाई बहुत डर लग रहा है भाई। हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, देश के नागरिकों, आपका नमन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ अपना राहुल ब्लॉग्स में। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। और आज हम लोग का पोखरा में लास्ट दिन है, हम पैराग्लाइडिंग करने जा रहे हैं मॉर्निंग में। आपको टाइम बता रहे हैं, नेपाली 7:30 हो रहा है, सारनकोट जाना है। तो वहाँ पर जाएंगे तो और प्रोसेस बताएंगे, अभी तो रूम से निकलने वाले हैं। और आज दोपहर ही हम लोग निकलने वाले हैं, तो हम सोचेंगे क्यों नहीं हम सुबह में पैराग्लाइडिंग कर ले पोखरा में। और पैराग्लाइडिंग नहीं करें तो मज़ा ही नहीं आएगा, इसकी वजह से हम पैराग्लाइडिंग करने जा रहे हैं। और भैया लोग इसके लिए नहीं जा रहे हैं, मोहित भैया और मयंक नहीं जा रहा है, क्योंकि डर लगता है इसकी वजह से। और हम सोचते हैं कि चलो भाई यहाँ आए हैं तो डर के साथ जीत भी किया जाए, डर के आगे जीत जो बोलते हैं वही किया जाएगा। तो अभी जस्ट अभी निकलेंगे थोड़ा देर में बस, और रूम से चेकआउट करेंगे और वहाँ पे जाके फिर पता लगेगा क्या प्रोसेस है। और आपको बताते रहेंगे क्या मतलब कितना पैसा लगा नहीं लगा सब कुछ बताते रहेंगे। उसके अंदर फिर बताते हैं क्या क्या प्रोसेस है, कितना दिन में जाना है, कैसे जाना है, वो आपको बताते हैं वहाँ पे शॉप पे जाके बताते हैं। फाइनली हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, सारनकोट के लिए हम लोग जाने वाले हैं। और जी आपको टाइम बता दें, 9:30 में हम लोग निकलने वाले हैं। और सारनकोट में पहुँच के ही वहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है, उसके अंदर जो भी प्रोसेस होगा वहाँ पे बताएंगे। अभी तो गाड़ी में बैठ गया, मयंक भी जा रहा है एक्चुअली। हाँ, आपको बताना भूल गया था, हम एक्साइटेड तो हुए थे लेकिन मयंक भी यहाँ एक्साइटेड हो गया। काफ़ी मज़ा आने वाला है, दोनों आदमी जाएंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। अकेले जाने में उतना मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन अब एक्साइटेड और ज़्यादा बढ़ गया तो काफ़ी मज़ा आएगा मयंक के साथ। इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, एक खास इंपॉर्टेंट बात कि वहाँ पर रिकॉर्डिंग कैसे होगा वो आपको बता देंगे वहाँ सारनकोट पहुँचते में। अभी तो कार में बैठे हुए हैं, अभी एक होटल से और लोग भी आने वाले हैं, तो फिर वहाँ का रिसीव करके फिर वहाँ पर जाते हैं, फिर बताते हैं। हम लोग यहाँ फिलअप फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर छोटा सा फिलअप फॉर्म करने के लिए। अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे और जा रहे हैं ऊपर की तरफ, यहाँ से हम लोग उतर के आगे की तरफ चल रहे हैं। थोड़ा सा और ऊपर जाना है, गाड़ी यहाँ पे रुक गई है, यहाँ पे सब कोई उतर रहे हैं। यस, नाइस टू मीट यू। पायलट जी है मेरे साथ जाएंगे, मज़ा आएगा। चलिए ऊपर और बताते हैं क्या होगा, एक्साइटेड। और यहाँ से जाना है नीचे खाई में, इधर चलना है हम लोगों। यस, अभी से ही सीढ़ी चढ़ रहे हैं, फाइनली ऊपर चढ़ रहे हैं। और ये लोग भी हम लोग के साथ आ रहे हैं पीछे पीछे। एडवेंचर ही करने, काफ़ी एक्साइटेड होने वाला है। ये है रोड, पता नहीं कैसा रोड है, जंगली में जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, ऐसा रोड कुछ है। और सही बताया तो एक्साइटेड मेरा काफ़ी हाई लेवल है, इतना मज़ा आने वाला है। और मयंक का भी लग रहा है एक्साइटेड भरा हुआ अभी, लेकिन देखते हैं आगे क्या हो पाता है। बहुत नीचा है लेकिन वाओ, ये व्यू, दिस इज अमेजिंग। कुछ तूफानी करते हैं लाइफ में आज, और ये तूफानी करने के लिए हम लोग रेडी पहुँच गए, पहुँच चुके हैं। और वो देखिए सब उड़ने के लिए रेडी है, और इधर में जाना है जैसे वो लोग गए हुए हैं। काफ़ी लाइफ में कुछ डराना होना चाहिए, माउंटेन ड्यू लेके आना चाहिए यार, डर के आगे जीत रहा था। माउंटेन ड्यू लेके आना चाहिए, यही है डर के आगे जीत है यार। आपका चैनल है? हाँ चैनल है। क्या नाम? अपना राहुल ब्लॉग्स। और मैं देखूंगा। ओके ओके, एक्साइटेड, हाई लेवल। ये देख के मेरी भर चुकी है, बट आई एम एक्साइटेड, वेरी वेरी वाओ। चलिए पूछते हैं एक दो आदमी से कैसा लगता है, क्या रिएक्शन है, कैसा फील लग रहा है। एक्साइटेड, एक्साइटेड, थोड़ा पीछे भी रुकिएगा। ओके, अरे छोड़ दीजिए मेरे को। यू आर एक्साइटेड, नर्वस? ओके, वाओ 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 वाओ, इट्स ऑसम। अरे भाई हो, भाई साहब क्लासिक, वाओ भाई साहब, इतना मजा कुछ हो ही नहीं सकता यार। लाइफ में एडवेंचर कीजिए, कुछ कुछ ना कुछ करते रहिए भाई, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और ये व्यू तो आप देख ही लीजिए, क्या क्लासिक यार। नेपाल में आया, पोखरा में आके और पैराग्लाइडिंग नहीं किए तो क्या किए यार। नेपाल में आइए, पैराग्लाइडिंग कीजिए, क्या खूबसूरत पल है। और इस जिंदगी का नाम बोलते हैं डर के आगे जीत है, और यही तो है। अभी तो एक्साइटेड काफ़ी है, उड़ने के बाद क्या लगता है। अब यहाँ पर ऊंचाइयों पर देखने को मिलेगा, वहाँ बाघ भी है, तो बाघ भी देखता होगा कि क्या है, कौन सा प्रजाति आ गया भाई इतना बड़ा बड़ा जो मेरे साथ उड़ रहा है। काफ़ी एक्साइटेड, सुपर्ब या सुपर्ब।
आपको इन्फॉर्मेशन भी बता दें, 20 से 25 मिनट ऊपर तक रखेंगे और फिर जाके नीचे में लैंडिंग करेंगे। लैंडिंग उस साइड में है तो उस साइड लैंडिंग करवाएंगे और फिर नीचे नीचे ही चले जाएंगे। और मौसम भी एकदम फर्स्ट क्लास है और वेदर खराब ज़्यादा तो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से अभी मौसम ठीक है तो उठ सकते हैं। और हम लोग का पायलट अभी थोड़ा देर में आएंगे तो चले जाएंगे। और आपको बता दें यहाँ गोप्रो से भी शूट किया जा सकता है। यहाँ पे जो पायलट रहते हैं वो गोप्रो उनके हाथ में, जो भी देखेंगे एक उनके हाथ में रहेगा पायलट के हाथ में और एक जो बैठे रहेंगे उसके पास, तो दे दिया जाता है और वहाँ पे जाके आपको कलेक्ट कर लिया जाता है गोप्रो के लिए। जो आप इनके ऑफिस में जाएगा तो वो मतलब आपको मूव करके दे देंगे मेमोरी कार्ड में, इसके इस तरह होता है। तो आप अपना भी ला सकते हैं या नहीं है तो यहाँ पे भी प्रोवाइड करते हैं उसी में, उसी बजट में करते हैं 2200 में इंडियन करेंसी में, उसी बजट में कर देते हैं ये लोग। तो जो काफ़ी हमको अच्छा लगा है जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं GoPro से, जो बता रहे थे कि अच्छा क्वालिटी भी आएगा, फ़ोटो आएगा इसके वजह से। और फाइनली हम रेडी होने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? ओके, माय नेम इज नॉबिन। व्हाट आर योर नेम? राहुल। राहुल जी, ओके, नाइस टू मीट यू। सो वेलकम टू द जोन ऑफ पैराग्लाइडिंग। ओके, आई एम वेरी एक्साइटेड, फर्स्ट टाइम। उड़ने के लिए रेडी है और यहाँ से दौड़ के जाना है ऊपर की तरफ। सबसे पहले तो दौड़ के जाना है आगे, ना बैठना है ना झुकना है ना कुछ नहीं करना है। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। अरे भाई चोद, अरे ओ माय गॉड भाई चोद, होल्ड दिस माय डियर राइट इन। अरे भाई चोद बहुत डर लग रहा है भाई चोद, अरे भाई चोद, अरे अरे गॉड फट गया भाई, सही बता दो। अरे बाप रे बाप, अरे साला एक चाइल्डर तालम खराब करवा दिया यार। क्या हो गई? ओ माय गॉड, ओ फीलिंग्स ऑसम ऑसम। लेकिन गार फट रहा है नीचे देख के, ओ रे साला वेरी 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 एक्साइटेड एंड रिलैक्स मोड। पोखरा में ये पैराग्लाइड करने में मज़ा ही कुछ और है। अच्छा, काफ़ी लाइफ में कुछ करिए नहीं कीजिए लेकिन जरूर पैराग्लाइड करवाइए यार, मतलब क्या ही मज़ा बताए आपको, इट्स ऑसम। हेलीकॉप्टर का मज़ा ही दे रहा है यार, लेकिन नीचे देखने के बाद लग रहा है कि वो क्या हाँ आ गया यार, आपको भी दिखाएंगे नीचे का। और इस फटे तो फटे ना, अभी ना जाए। ओ आप व्यू देख सकते हैं नीचे का। दिस इज द व्यू फ्रॉम द स्काई। वाओ, इस पे आराम से बैठ सकते हैं और ये मजा ले सकते हैं आप। इसमें कितना डर नहीं लग रहा है? स्टार्टिंग में डर लग रहा था जो मतलब वहाँ से चलने समय, और थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि वॉक वॉक करना था और मेरा पैर थोड़ा सा मुड़ गया तो उसकी वजह से हम बैठ गए थे। तो बैठना नहीं था, बैठना नहीं था, यहीं से पूरा कंट्रोल किया जाता है कहाँ जाना है कैसे जाना है। और ये आपको दिखाए वो वाह सामने आप देखेंगे, और ये बाज जो है सामने वो भी बोलता हुआ कौन प्रजाति में हम आ गए हैं। वाह, अरे बहुत छोटा दिख रहा है यार, क्या ही बताए यार, सबसे मज़ेदार व्यू। वाह रे वाह, ये तो हिला रहे हैं भाई पायलट साहब, लेकिन मज़ा भी आ रहा है। ओरे डांसिंग करवा रहे हैं, ओरे ओरे। आकाश में यही बोलना चाहेंगे जितना भी सब्सक्राइबर मेरे हैं मेरे यूट्यूब फैमिली, आप आके पोखरा में जरूर एक पैराग्लाइड करें। और जो पायलट है मेरे साथ काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा तरीके से सिखाए हैं और काफ़ी अच्छा स्मूथली घुमा भी रहे हैं, पता भी नहीं लग रहा है ये कहाँ है, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। So thank you for flying with me. Wow, नेपाल आके सक्सेस मिल गया यार, यही सक्सेस चाहिए था। मतलब आज ही का प्लान था कि हम लोग को निकलना था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि
सोच रहे थे कि एक बार कर ले नहीं कर ले, लास्ट टाइम रात में हम सोचे कि सब कोई निकलने वाले थे, नहीं कि सोचे कि नहीं यहाँ तक आ गए तो एक बार अलग राइड कर लेते हैं ताकि फिर नेक्स्ट टाइम नहीं अफसोस रहेगा। लाइफ में ऐसा मत कीजिए कि हाँ अफसोस रहता है, अच्छा काश ही कर लेते काश वो कर ले, ऐसा मत सोचिएगा, जो मन करे वो करते रहिए, एकदम इंजॉय लाइफ में इंजॉय करते रहिए और मज़ा ही मज़ा लेते रहिए, मज़ा लेना पड़ेगा। और लाइफ बहुत ही छोटा है यार, और घूमने के लिए बहुत कुछ है यार, देखने के लिए पूरा दुनिया आप देख सकते हैं, आप चाहने का बस चाह लीजिएगा तो बहुत कुछ हो सकता है, बस आप चाहिए, ऐसा नहीं सोचिए क्या करें नहीं करें, बस आप एक ट्रिप मारिए कोई भी आपको पसंद है, और सबसे फेवरेट तो आपको बोलेंगे पैराग्लाइड जरूर करें, आप देखेंगे ऊपर में वाओ। थैंक यू बाबू एडवेंचर, वाओ वाओ वाओ। सुकून भरा पल है, इस पर आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में केबल कार है। सारनकोट में आप आइए, यहाँ पे सब प्रोवाइड मिल जाता है यार, आप आके तो देखिए मजा ही मजा है, पहले तो आओ उसके बाद ही मजा लोगे। अच्छा। आराम से बैठने वाला यार, चेयर जो बोलते हैं ना चेयर पे आप लोग ऐसे बैठे हुए बस, और कुछ नहीं, और ऐसा लग रहा है चेयर पे बैठे हुए बस घूम रहे हवाओं में, ऊपर से दुनिया देखने में काफी छोटा दिख रहा है। ये तो बहुत खतरनाक है यार, अरे बाप रे बाप, पूरा गोल गोल जा रहा है भाई यार, अरे बाप रे बाप भाई चल यार, खतरनाक, ओह डर क्या के जीते भाई, गार फट गया भाई, अरे बाप रे बाप, दो मिनट का चीज था यार, अच्छा कर गया। गुड 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 गुड।
फाइनल लैंडेड। ओह थैंक यू सो मच, आप लोग आए और अच्छा वीडियो लगे तो सब्सक्राइब और लाइक और ढेर सारा प्यार दे, और ये भाई को आप जरूर याद रखिए और जब भी आप आए तो इनसे कॉन्टेक्ट करें। ओके सो होप टू सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। ओके बाय बाय।